असलक्रम वरम्ह वर्क वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू वी विल डिस्कस अबाउट द मॉड्यूल 127 एंड 128 ऑफ बायो 202 फाइनल टर्म सेकंड सेमेस्टर सबसे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो शो होते रहें नेक्स्ट भी वीडियो के तो हम 127 लेक्चर डिस्कस करते हैं उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमने पीछे मॉड्यूल में जो डिस्कस किया था वो हमने किया था आ, कि हम हाइड्रोजनेशन और हेलोजिनेशन दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे किसकी ट्राइगेस्ट्राइट्स की तो हमने हाइड्रोजनेशन को बेसिकली डिस्कस कर लिया था अब हमने जो डिटेल में डिस्कस करना है वो हेलोजिनेशन को करना है इसमें सबसे पहले ओवरव्यू आपको देती हूँ ओवरव्यू में ये है कि जो हेलोजिनेशन है मैंने आपको कल भी बताया कि हेलोजिनेशन का मतलब है कि हेलोजन का ऐड होना किसी भी ग्रुप के अंदर अगर सिंपली हम बात करें इसकी तारीफ़ की इसकी डेफिनेशन की तो हेलोजनेशन से मुराद है कि किसी भी ग्रुप के अंदर हेलोजन का ऐड होना लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि हेलोजन क्या है तो हेलोजन जो है वो कोई भी ग्रुप हो सकता है हेलोजन फैमिली का आयोडीन बरोमीन क्लोरीन फलोरिन एटसट्रा ठीक है तो इस तरह का कोई भी ग्रुप जो है इसकी एडिशन जो है किसी भी दूसरे ग्रुप के अंदर हेलोजिनेशन कहलाती है लेकिन यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर जो इसका दाखिल होना है हेलोजन का या इसकी एडिशन जो है वो किस लिए होती है इसको जो बायोकेमिस्ट होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स की इम्प्योरिटी चेक करने के लिए जो है हेलोजिनेशन को यूज़ करते हैं हेलोजिनेशन प्रोसेस जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड के अंदर इम्प्योरिटी चेक करने के लिए यूज़ होता है ठीक है बेसिकली और इसमें जैसे पीछे हमने पढ़ा था हाइड्रोजिनेशन के अंदर मैग्नीशियम नंबर तो यहाँ पर हमने पढ़ना है आयोडीन नंबर तो इसके ओवरव्यू में हमने तीन चीज़ें देखी कि हाइलोजिनेशन क्या होती है हेलोजिनेशन जो है वो क्यों की जाती है और हेलोजिनेशन के अंदर क्या चीज़ यूज़ होती है आयोडीन नंबर यूज़ होते हैं अब हमें अगर इसकी डिटेल की तरफ देखें तो सिमिलर टू हाइड्रोजिनेशन हेलोजिनेशन सच एज़ क्लोरिन बरोमिन एंड आयोडीन कैन आल्सो बी एडिड टू डबल बांड इन अन सेचुरेट फैटी एसिड अब देखें हमने उसमें पढ़ा था कि जो डबल बांड था वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया क्योंकि वो हाइड्रोजनेशन हुई थी उसकी इसमें क्या होगा कि इसमें जो है अब आप फर्स्ट करें हमारे पास सी एच टू डबल बांड सी एच टू ये एक यकीन है हमारे पास इसके अंदर अपने आपने हेलोजिनेशन करवानी है तो आप इसके अंदर करेंगे एच सी एल कापी पे लिख के देखें सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू और उसके अंदर एच सी एल को ऐड करवाएं तो जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो फर्स्ट जो सी एच टू है उसके अंदर एच सी एल का हाइड्रोजन दाखिल हो जाएगा और जो सी एल है जो हैलोजन ग्रुप है यानी कि क्लोरीन वो एल्कीन का जो दूसरा सी एच टू है उसके साथ ऐड हो जाएगा तो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा प्रोडक्ट एल्काइल हेलाइड बन जाएगा ये मैं सिंपल एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि कैसे रिएक्ट होके तो रिएक्शन बनता है तो यहाँ पर भी सिंगल बांड की कन्वर्जन होनी है लेकिन यहाँ पर एक तरफ क्लोरीन ऐड होनी है एक तरफ हाइड्रोजन ऐड होनी है जबकि हाइड्रोजनेशन के अंदर दोनों तरफ हाइड्रोजन दाखिल हुई थी ठीक है इसके बाद है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अन ऑफ द फैट और ऑयल दैट डिटरमाइन इट्स बायोलॉजिकल वैल्यू इसकी एम्प्योरिटी या अनसेचुरेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो है वो हेलोजिनेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इसका क्या फ़ायदा होता है तो उसके लिहाज से जो हमारे पास हेलोजिनेशन है वो किसी भी ऑयल या फैट की अन जो है वो चेक करने के लिए यूज़ होती है द डिग्री ऑफ अन इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द आयोडीन नंबर अब यहाँ पर क्या बात आ गई कि जो इसकी अनसेचुरेशन डिटरमाइन करनी है हमने हेलोजिनेशन के थ्रू वो आयोडीन नंबर पे डिपेंड करेगी जैसे पीछे मैग्नीशियम नंबर पे डिपेंड किया था ठीक है इस तरह यहाँ पर जो आयोडीन नंबर है उस पे डिपेंड करेगी अन की जो डिग्री है ठीक तो यहाँ पर बात फिर आ जाती है कि आयोडीन नंबर बेसिकली है क्या तो आयोडी इस उफ उफ आयोडीन नंबर इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन एप्सोड बाय हंड्रेड ग्राम ऑफ फ़ैट आयोडीन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है तो आयोडीन नंबर बेसिकली जो है वो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ मतलब का आयोडीन का ग्राम्स में हमने मास लेना है ठीक है और उसको हंड्रेड ग्राम अगर फैट में हम डिजोल्व करते हैं उसको उसके अंदर हल करते हैं तो वो हमारे पास उसका आयोडीन नंबर आ जाएगा हमने Uh, कोई भी ग्राम ले सकते हैं वन ग्राम ले लें टू ग्राम ले लें हमने ग्राम्स में आयोडीन को लेना है आयोडीन को ग्राम्स में लेकर उसको हंड्रेड ग्राम फैट में जब हम डिजोल्व करेंगे तो उसका आयोडीन नंबर हमें पता चल जाएगा ठीक है अब उस आयोडीन नंबर जो है उस पर अनसेचुरेशन जो है ऑयल और फैट की वो डिपेंड कर रही है ठीक द मोर द आयोडी नंबर द ग्रेटर द डिग्री ऑफ अनसेचुरेटेड जितने ज़्यादा आयोडी नंबर होंगे जो फैट या ऑयल है उसकी अन सेचुरेशन की जो कपेसिटी है या उसकी जो अनसेचुरेशन की जो प्रॉपर्टी है वो उतनी ज़्यादा हो जाएगी यानी कि इनका जो है वो क्या है डायरेक्ट रिलेशन है जितने ज़्यादा आयोडीन नंबर उतनी ज़्यादा अन सेचुरेशन हो जाएगी ठीक है द डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडीन नंबर इज़ यूजफुल टू द केमिस्ट इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ अन ऑयल और इट्स फ्रीडम फ्राम एडल्ट्रेशन एडल्ट्रेशन का मीन यहाँ पर है इम्प्योरिटी तो जब हम आयोडिन नंबर की बात करते हैं तो आयोडीन नंबर क्या बताता है आयोडीन नंबर अनसेचुरेशन प्रॉपर्टी के बारे में बताता है और जो अन प्रॉपर्टी है आयोडीन नंबर के थ्रू पता चलती वो हमें इम्प्योरिटी ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में आगाही फ्राहम करती है ठीक है तो इनका रिलेशन हो गया ना कि जो हैलोजिनेशन करवानी है हमने उसके अंदर आर डी नंबर यूज़ होना है और आर डी नंबर जो होगा वो अन सेचुरेशन प्रॉपर्टी को क्लियर करेगा और जो अन सेचुरेशन होगी वो हमारे पास इम्प्योरिटी को क्लियर करेगी ठीक है और ये बायोकेमिकल केमिस्ट जो हैं इसको यूज़ करते हैं आर डी नंबर ऑफ कॉटन अब डिफरेंट जो हमारे पास सीड्स हैं उन या डिफरेंट जो फैट्स हैं और ऑयल्स उनकी हम आर डी नंबर चेक करते हैं जो कॉटन सीड्स हैं उनका जो आर डी नंबर है वो जीरो थ्री टू वन इलेवन तक वेरी करता है ठीक है और जो ऑलिव ऑयल है उसका सेवनटी नाइन टू एटी एट होता है इसके बाद जो लाइन सीड है लिन सीड है उसका जो ऑयल होता है वो वन सेवनटी फाइव टू टू जीरो टू के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करता है ठीक है द कमर्शियल लॉट ऑफ ऑलिव ऑयल हैज़ नंबर हायर देन माइट हैव बीन विद कॉटन सीड ऑयल अब जो कंपेयर कर दिया उन्होंने ऑलिव ऑयल को और कॉटन सीड ऑयल को उन्होंने उन्होंने कहा कि जो हमारे पास ऑलिव ऑयल है उसका आर डी नंबर जो होता है वो एटी एट होता है और ये जो आई डी नंबर एटी एट है तो ये कॉटन सीड ऑयल के जो आर डी नंबर है उससे ज़्यादा है जब इसका आर डी नंबर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कॉटन सीड ऑयल की बन उसके अंदर एम्प्योरिटी भी ज़्यादा है ठीक है क्योंकि हमने कहा जितना आढ़ नंबर ज़्यादा होगा उतनी अनसेचुरेशन ज़्यादा होगी जितनी अनसेचुरेशन ज़्यादा होगी उसकी उतनी इम्प्योरिटी जो है वो ज़्यादा होगी तो जो हमारे पास ऑलिव ऑयल है उसका एटी एट परसेंट जो है वो कॉटन सीड से ज़्यादा होता है जो उसका आर डी नंबर है और इसी की नस्बत पे जो है वो आई आर डी नंबर उसका ज़्यादा होने की वजह से ऑलिव ऑयल की अडल्ट्रेट प्रॉपर्टी या उसकी इम्प्योरिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो इनक्रीज होती है कॉटन सीड की बन द हायर इज़ द आई आर डी नंबर द मोर रिएक्टिव अब देखें अब उन्होंने सारा कंक्लूजन बताया है कि अगर आई आर डी नंबर ज़्यादा होगा तो जो हमारे पास फैट या ऑयल है ठीक है वो मोर रिएक्टिव होगा लेकिन लेस स्टेबल होगा रिएक्ट ज्यादा करेगा लेकिन वो इतनी उसकी वैल्यू नहीं इतनी होगी वो स्टेबल कम होगा लेकिन रिएक्टिव ज्यादा हो जाएगा मोर सस्पेक्टिबल टू ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन को ईजिली वो कैरी कर सकता है यानी कि ऑक्सीजन के साथ वो इजीली रिएक्ट कर सकता है कब जब उसका आर डी नंबर हाई होगा क्योंकि जब उसका आर डी नंबर हाई होगा तो उसकी अनसेचुरेशन की जो प्रॉपर्टी है वो भी हायर हो जाएगी उसकी वजह से वो रिएक्ट तो जल्दी कर जाएगा लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा फिर और ना ही उसके अंदर जो है वो इतनी एबिलिटी होगी कि वो ऑक्सीडेशन को रोक सके बल्कि ऑक्सीडेशन के लिए वो तैयार रहेगा ठीक है एंड रेनसिडिफिकेशन इज़ द ऑयल और फैट और उसकी रेंसिडिफिकेशन जो है वो बढ़ जाएगी अब रेंसिडिफिकेशन क्या है ये वन ट्वेंटी एट मॉड्यूल के अंदर हम डिस्कस करते हैं लेकिन वन ट्वेंटी सेवन का आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा हीलोजनेशन हुई हेलोजनेशन से मुराद है किसी भी ग्रुप के अंदर आयोडिन बोरोन क्लोरिन का जो एड होना ठीक है और उसके अंदर आई नंबर यूज़ होते हैं आई नंबर का हमने बात की कि वो क्या होते हैं और जो है आई नंबर के बारे में बताते हैं और फिर जब अनसेचुरेशन के बारे में मालूम हो जाता है तो अन हमें जो है एम्प्योरिटी के बारे में बताती है और जो एम्प्योरिटी है उसके लिहाज से वो फिर उसकी डक्टिविटी जो है वो बढ़ती और इंक्रीज होती है ठीक है इसके बाद हमारे पास वन ट्वेंटी एट मॉड्यूल है इसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ना है रेंसीडिटी ठीक है ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है अब रेंसीडिटी क्या है कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल्स एक्सपोज टू एयर अब रेंसिडिटी से मुराद है कि जब हम किसी भी फैट या ऑयल को एयर के अंदर एक्सपोज करते हैं तो उसकी कंप्लीट या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाना रेंसिडिटी कहलाती है हमने पीछे भी बात की कि जैसे ही हेलोजनेशन हम उसकी करवाएंगे ठीक है तो आर नंबर अगर इंक्रीज़ है उसकी वजह से वो सस्पेक्टेबल टू ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो सस्पेक्टेबल टू ऑक्सीडेशन का हो जाना और फिर उसके अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है उसका वक़ूफ़ पजीर हो जाना तो वो हमारे पास रेंसिडिटी कहलाएगा फ़र्ज़ करें हम कोई भी ऑयल है फैट है उसको हम एक्सपोज कर देना उसके अंदर एयर के अंदर ठीक है खुला उसको छोड़ दें तो उसकी जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी या तो कंप्लीट या इनकम्प्लीट ठीक है तो द केमिकल डिटोरिएशन ऑफ फैट्स बेसिकली डिटोरीशन का मतलब होता है बिगड़ना तो जैसे ही रेंसिडिटी होगी तो वो अपनी असली शक्ल से एक और शक्ल में चला जाएगा तो उसका मतलब यही हुआ कि वो डिटोरिएट हो गया है अपनी असल शक्ल से उसकी शक्ल जो है वो चेंज हो गई है ठीक है तो इस तरह से जो है वो वो डिटोरिएट हो जाएगा उसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस उसके अंदर आ जाएंगी नेक्स्ट स्टेप है कि विच लिपड फूड आर एक्सपोज टू लॉन्ग टू द ऑक्सीजन इन एयर दे मे पॉइल एंड बिकम फाउल स्मेलिंग अब वो वो फूड्स जिनके अंदर लिपर्स बहुत ज़्यादा होता है जैसे ही उनको हम ऑक्सीजन या एयर के अंदर जो है वो एक्सपोज करेंगे तो उसकी रेंसिडिटी हो जाएगी रेंसिडिटी की वजह से उसके अंदर जो है वो खराबी पैदा होगी जब खराबी पैदा होगी तो वो हमारे पास बदबू आएगी उसके अंदर से फॉल स्मेलिंग जो है वो देना शुरू हो जाएगा ठीक है अब डेफिनेशन उन्होंने दी है रेंसिडिटी की हम पहले ही कर चुके हैं डेफिनेशन लेकिन उन्होंने यहाँ पर फर्दर उसको बताया है कि इट इज़ अ फिजिको केमिकल चेंज इन द नेचुरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फैट लीडिंग टू द डिवलपमेंट ऑफ अनप्रीजेंट ऑर्डर और टेस्ट और एबनॉर्मल कलर हमने देखा था कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट जब उसको हम एक्सपोज करते हैं एयर के अंदर ठीक है अब यहाँ पर भी यही बात हो जाती है कि आ, रेंसिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर जो है वो उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी जो कुदरती प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी खसूसियात हैं वो बदल जाती हैं और वो नई प्रॉपर्टीज़ गेन कर लेती हैं जो कि किसी भी फायदे की नहीं होती वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है जैसे ही रेंसिडिटी होगी फैट्स या ऑयल्स की तो उनका जो है वो कलर चेंज हो जाएगा उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा और अनप्लीजेंट ऑर्डर उनकी होगी उनकी जो बू है वो चेंज हो जाएगी अब देखिए हम किसी भी चीज़ को जो है वो जब हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके कलर से करते हैं उसकी बू से करते हैं ठीक है और उसके टेस्ट से करते हैं जब ये तीनों चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई तो वो अपनी नेचुरल स्टेट से आर्टिफिशियल स्टेट में आ गया ठीक है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी अब ये तो हो गया कि इसके रेंसिडिटी होती क्या है और ये इसका इफेक्ट क्या होते हैं फैट्स पे अब आगे जो है वो हमने पढ़ना कि बॉडी पे इसके क्या इफेक्ट होते हैं अगर हम उस चीज़ को इंगल्फ कर लें या खा लें तो बॉडी इस पर क्या इफेक्ट होते हैं इट्स अकर पार्टिकुलरली ऑन एजिंग ये एजिंग पे जो है वो होता है आफ्टर एक्सपोजर टू एटमोसफेरिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे अगर हम जो इसको एक्सपोज कर दें फैट्स को लाइट पे और मॉइस्चर अब ये तो हो गया कि इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं लेकिन ये काज कब कब होता है ठीक है तो काज जो है वो हमने डिफरेंट यहाँ पर जो है वो डिस्कस करने हैं इसके जो बेसिकली ये काज कब होती है रेंसिडिटी जब हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लाइट या मॉइस्चर वग़ैरह जो है उनके आगे एक्सपोज करते हैं फैट्स को बैक्टेरियल और फंगल कंटेमिनेशन या बैक्टीरिया और फंगस के थ्रू जो है फैट्स कंटेमिनेट हो गए या हीट वग़ैरह के थ्रू तो ये सब काज़ेज हैं ठीक है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लाइट मॉइस्चर बक्टेरियल और फंगल कंटेमिनेशन और हीट वग़ैरह ये सब जो है जेंसिडिटी के काजेज़ हैं जो उसको काज करते हैं ठीक है अब जो सेचुरेटेड फैट्स होते हैं वो रिस्ट करते हैं देखिए हम पीछे भी अन सेचुरेशन की बात करते आ रहे हैं हम सेचुरेशन की बात नहीं कर रहे तो सेचुरेशन जो होती है ये सेचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो रेसिडिटी को रिजिस्ट करते हैं वो इसे अकर नहीं होने देते ठीक है कम कम होती है इसके अंदर लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वो इसे रोक सकें रजिस्टेंस का मतलब तो यही होता है ना कि मजामत पैदा करना किस चीज़ को होने से रोकना तो जो अनसेचुरीट फ़ैट्स होते हैं उसकी बनस्बत जो सैचरेट फ़ैट्स होते हैं वो मजाहमत शो करते हैं वो जो है वो रजिस्ट करते हैं ये जो रियसिडिटी प्रॉपर्टी होती है दैट हैव हैचुरेट डबल बॉन्ड्स जो अन होते हैं ना उनके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं तो वो जो सैचरेट फैट्स होते हैं वो रजिस्ट करते हैं कि रेलसीडिटी ना हो जबकि अन फैट्स के अंदर रजिस्ट प्रॉपर्टी नहीं होती रेंसिडिटी के तीन मेन काजेज़ होते हैं ठीक है वो तो हमने सिंपल काज पढ़े ना लेकिन उनमें से अलग अलग करके अगर उनको हम प्रॉपर एक टॉपिक दें प्रॉपर एक नॉम नेम दे के हम मेंशन करें तो वो कौन कौन सी होंगे सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीडेशन आता है फिर हाइड्रोलोसिस आता है और इसके बाद आता है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट मालिक्यूल गिव राइज टू तो सम शॉर्ट चेन एल्डिहाइड कीटोन एंड द डाइकारिक एसिड्स अगर हम सिंपल ऑक्सीडेशन की बात करें जब किसी भी फैट की या ऑयल की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा कि वो लॉन्ग चेन शॉर्ट चेन हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएंगे कीटोन बन जाएंगे डाई कार्बोक्सलिक एसिड बन जाएंगे यानी कि रेनसीडिटी हो गई अब उसकी वजह से हमने इसके का आ, क्या पढ़े थे इफेक्ट्स बैड ऑर्डर ठीक है तो यहाँ पर भी यही होगा उसका टेस्ट और ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगी विच हैव ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट एंड ऑर्डर द अनप्लीजेंड टेस्ट एंड स्मेल एसोसिएटेड विद द रेंटी रिजल्ट फ्राम द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डबल बांड इन अनसेचुरेटिड फैटी एसिड अब फिर उसने वजह भी बताई कि होता क्या है जिसकी वजह से ऑर्डर चेंज हो जाती है जैसे ही रेंसिडिटी हम करवाएंगे तो जो उसका डबल बांड है अन सेचुरेशन कार्बन कानसैचुरेटेड जो कार्बन होगी फैट के अंदर उसका जो डबल बॉन्ड है वो हमारे पास क्या होगा कि वो चेंज हो जाएगा वो टूट के अपनी असली शक्ल में नहीं रहेगा जिसकी वजह से जो है वो अनप्लीजेंट ऑर्डर जो है वो शो हो जाएगी ठीक है द ऑक्सीजन ऑफ द एयर इज नेसेसरी फॉर द फॉर दिस टाइप ऑफ एरेंसिडिटी दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एडिशन ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट सच एज विटामिन ई टू फूड्स अब ये जो ऑक्सीडेशन हम पढ़ रहे हैं ना वो कहता है कि बेसिकली ये वाली जो ऑक्सीडेशन है ना अगर सिंपली हम फैट्स को एयर के अंदर एक्सपोज कर दें तो उसके अंदर ये फैट जो है वो हो सकती है आ, उस, और एसिडिटी हो सकती है तो इसको बचाने के लिए फिर हम इसका मतलब है फ़ैट्स तो हमारी ज़रूरत है इसका मतलब हम उन्हें यूज़ ही ना करें क्योंकि एयर के अंदर एक्सपोज नहीं करेंगे तो यूज़ में कैसे आएगा तो इसके लिए क्या होता है कि जब फैट्स को बनाते हैं उनको प्रॉपर पैकिंग करते हैं तो उसके अंदर विटामिन ई को इंक्लूड कर देते हैं वटामिन ई जो है वो एंटी रेंसिडेंट है ठीक है और ये क्या करता है कि ये रेंसिडिटी नहीं होने देता और या जो ऑर्डर है उसको चेंज नहीं करता ठीक है सेकेंड पॉइंट हमारे पास है हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी इट इज़ ड्यू टू द स्लो हाइड्रोलोसिस ऑफ फैट जब फैट जो है उनकी आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोलोसिस होगी तो उसके थ्रू भी जो है वो क्योंकि वाटर के अंदर वाटर के साथ जब रिएक्ट करना है तो वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीडेशन तो वहाँ पे भी हो ही जानी है लेकिन वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होती ठीक है तो इसलिए वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हाइड्रोलोसिस के थ्रू रेंसिडिटी का प्रोसेस अकर होता है विच इन केस ऑफ फैट्स लाइक बटर रिजल्ट इन द इिब्रेशन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड इसमें क्या होगा कि ज़्यादातर जो हमारे पास कह लें कि हाइड्रोलोसिस का प्रोसेस एक्ट करता है रेंसिडिटी काज करने के लिए वो बटर वगैरह के अंदर होता है उसके अंदर जो बटर्स होंगे वो अपनी शॉर्ट चेन से चेंज हो जाएंगे ना उसकी फॉर्म होती है शॉर्ट चेन लिब्रेशन का मतलब होता है आज़ादी मिल जाना किसी चीज़ से तो वो लिब्रेशन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड विच आर वायलेट एंड हैव है रेंसी टेस्ट एंड ऑर्डर तो जब हम हाइड्रोलस करवाते हैं तो जो बटर वगैरह होता है उसके अंदर से जो रेनीसीड टेस्ट होता है उसका उसकी ऑर्डर होती है वो दूर हो जाती है और वो बिल्कुल हमारे पास शफाफ ऑयल की फर्मिया आ जाता है जो हम करवाते हैं ना उसको ऑयल को मतलब तो जब हम घी जो होता है उसको हम जब गर्म करते हैं वो ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है मक्खन की हम बात करें करें अगर तो तो वो इसी तरह से वो प्रोसेस अकर होता है ठीक है आई होप सो आपको आज के दोनों मॉड्यूल जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे